गुरुजनों को पास में बात कर रहे हैं। गुरु जी जाते जाते एक आदमी आया, कोई मेरा माँ, वो भी प्लेन से नहीं जा रहा था। अरे अनिल गुरु जी आप यहाँ हैं, बोला। अनिल गुरु जी बोले उन्होंने क्या करा, आके मेरे को साष्टांग नमस्कार, मेरे को नहीं गुरु जी को नमस्कार, गुरु जी को नमस्कार बोला। गुरु जी को देखते ही थोड़ा, गुरु जी ने उनको पूछा आप कहाँ जा रहे, तो बोला मैं टोरंटो जा रहा हूँ गुरु जी, आपकी दी हुई पुस्तक और मंत्र ले जा रहा हूँ, और मैं टोरंटो में गुरु जी उसके बारे में पूछे, गुरु जी टोरंटो गए थे, उसे हुआ। मैं मजे की बात कहता हूँ, 20 साल के बाद वो परसों फोन किया, गुरु जी मैं आपका यूट्यूब चैनल में आपको देख रहा हूँ, मैं वहाँ चले जाने के बाद गुरु जी के बारे में नहीं देखा, और मुझे वो देखने के बाद याद आई कि वो मुझे जाते जाते समय वहाँ नमस्कार करके गया था, उसने कहा कि गुरु जी अब बहुत दिन हो गए लेकिन अभी कोरोना हो गया है, मुझे लगा कि आपका आश्रम देख रहा हूँ यूट्यूब में, उन्हें मैं वहाँ आ रहा हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं बोला तब याद आई वो, तो ये जीवन की जो घटना गुरु जी के साथ घटी, ये जीवन में कुछ ऐसी छाप छोड़ गई कि मेरे जीवन में गुरु जी के प्रति जो निष्ठा जो भाव पड़े बाद में चलता रहा। गुरु पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा होने के बाद एक बार क्या हमारे पास वेणुगोपाल जी नाम के व्यक्ति थे, और उनके पास 2-4 समस्या थी, एक बच्चों के पाँव गिर गए थे, पाँव नहीं चल रहा था, नहीं चल सकता था वो, तो उन सभी लोगों ने कहा कि हम गुरु से मिलने जाएंगे, अब हम सब लोग मिलकर ट्रेन से कम से कम मेरे साथ 20-25 लोग का मैं दिल्ली आया, और दिल्ली आया तो गुरु से मिला, गुरु जी को फोन पे भी पूछा था कि गुरु जी हम आ रहे हैं और आपको आपके पास आपके दर्शन को लेके जाएंगे, तो गुरु जी आओ बोले, और जैसा ही हम आए गुरु जी की तबीयत ठीक नहीं थी, गुरु जी मुंबई चले गए थे हॉस्पिटल, उनके तबीयत को बताने के लिए कुछ उनके कामों पे वो चले गए। अब जब हम आके बैठे तो जब भी हम जाके पूछते थे, हाँ गुरु जी कल आने वाले, ऐसा कल आने वाले आपको पता है दिल्ली में 20 लोगों को लेकर एक होटल में रहना इतनी मुश्किल का काम है। तो मैंने सड़न उस दिन कहा जब तक गुरुदर्शन नहीं होगा मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा। आपको बताओ वो वैसा 20 दिन हो गए, और 20 दिन केवल मैं चांस देकर रहा, बाद में पता चला कि गुरु जी जोधपुर आ गए। गुरु जी फोन पर कहा कि मैं दिल्ली नहीं आया हूँ ऋषि, तू जोधपुर आया। फिर हमने वहाँ से वैन बुक की और हम सब लोग मिलकर वैन से जोधपुर गए। गुरु जी माता जी बैठे थे, तो गुरु जी ने सुबह बुलाया घर के अपने घर में पास में बुलाकर मुझे पास में बैठा लिया, मैंने सभी को इंट्रोड्यूस किया, तो उसमें थोड़े लोग गए थे अपने जैसे, तो उन्होंने उठकर कहा गुरु जी एक बात बताते हैं, हम जोशी जी ने आपका दर्शन हुए तो कुछ भी खाना नहीं खाते, वो केवल छांछ पे रह रहे हैं 20 दिन हो गए। गुरु जी पास बुलाकर हाथ कर दिया, कहा तुम सब लोगों को लगता है कि जोशी 20 दिन से खाए, अरे वो तो बिना खाए भी नहीं सकते, बिना छांछ के भी रह सकता है, उसके पास खाती खाती ऐसा कुछ भी बोल जाते हैं, और ये लोग समझते हैं कि मैं बहुत सिद्ध हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं भी, आप ऐसा मत बोलो, ये लोग सब लोग मुझे कुछ ना कुछ समझ नहीं सकते। तो जोशी क्या समझता है, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, आप में मेरे में है तो ठीक है, अगर ये लोगों को पता चल जाए तो अब ये लोग मुझे सिद्ध समझ लेंगे। ऐसी बात हुई थी गुरु पूर्णिमा के शिविर में, गुरु जी ने गुरु पूर्णिमा शिविर में कहा था कि जोशी तुम्हें पता है ये 3 जन्मों से इसने 18 बार भुवनेश्वरी साधना कर भुवनेश्वरी को प्रत्यक्ष किया, ये बात कह दिए फोन आ रहे हैं, और मुझे दूसरे दिन आकर कहते अरे जोशी मुझे बहुत फोन आ रहे हैं कि भुवनेश्वरी सिद्ध अनिल कुमार जोशी कहाँ उनको देखना है, मुझे आप ऐसे फोन आके मैं भुवनेश्वरी सिद्ध हूँ ऐसा समझ सकते नहीं है क्या, गुरु जी मैं अनाउंस कर देता हूँ गुरु जी ऐसा आप कर रहे हो, गुरु के बातों गुरु के वचन को नहीं कहता है, अब मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ यूँ ही बैठा। फिर बात में आ गई, जय भैया का एक दोस्त था जिसका जिसके भाई थे वो लोग जय भैया से बहुत क्लोज रहते थे, वो भी आए, तो एक दिन क्या हुआ उनका कुछ घर में परेशानी थी, तो वो आ गए तो मैंने उनके लिए कुछ यंत्र या कुछ तो भी निकाल कर दे दिया, देते ही मैंने कहा ये कहाँ से उन्होंने यंत्र आया, तो मैंने कहा कि विशुद्धानंद जी सिद्धाश्रम सुनने से छुट्टी करते हैं ये मैंने दिया, वो बात यहाँ आ गया कि अब ये लोगों में प्रचार शुरू हो गया कि जो मैं ही विशुद्धानंद हूँ, अरे मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है यार विशुद्धानंद हूँ, आप बेकार की बातें करते हैं कुछ नहीं,
अब मेरे में रवि भैया में और सभी में एक बात है, उन्होंने क्या जानना है माया ले आज ले रहे या नहीं ले। आखिर में हाँ ये निर्णय हुआ कि अगर गुरु पूर्णिमा शिविर में गुरु जी विशुद्धानंद जी का नाम लेते हैं तो तुम्हारी बात सच है, नहीं तो गलत है। अब मेरे कर्म बोलो क्या बोलो, तुझे कम से कम गुरु पूर्णिमा में 10 बार निकलेंगे। अब ये लोगों में खाते हो कि ये ओरिजिनल ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये ये जीवन में यानी मेरे जीवन में घटी हुई घटनाएं बोल रहा हूँ, मैं उनके सामने बोल रहा हूँ, कोई पीछे छुपा के नहीं बोल रहा। तो ऐसा ही जब वो 20 लोगों को लेकर गया था गुरुमाना गुरु जी क्या करें, आज जोशी मैं तेरे लिए चाय बनाता हूँ। अब ये है कि मैं बचपन में मेरे 19 में जब 16 साल का था तो हमारे पास गाँव में बासठ की सरस्वती है, वहाँ से रहते रहते मैंने सुना था कि अपने पूरे भारत में 2 ही स्वयंभू सरस्वती के मंदिर हैं, एक शारदा पीठ कश्मीर में है और एक बासठ का सरस्वती। और मुझे पता चला कि उन्होंने शारदा पीठ थोड़ा गिरा दिया है। तब मैंने सरस्वती माता के पास ये कहा कि मुझे चाय पीने की आदत थी 16-17 साल की उम्र, तो मैंने बासठ सरस्वती माता के पास कहा था कि जब तक शारदा मंदिर नहीं होगा तब तक मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैं चाय छोड़ दिया। वो आई कि वो चाय पीने के लिए, गुरु जी ने कहा कि मैं तेरे लिए चाय बनाता हूँ। अब ये लोग बैठे बैठे बोलना चाहिए ये लोग हेलो गुरु जी जोशी जी चाय नहीं पीते, काफी पीते मुझे चाय क्यों नहीं पीता ऐसा गुरु ने कहा। तो अब मुझे ये सब कहानी बोलना भी शर्माई क्या समझेंगे। फिर भी नहीं गुरु जी मुझे क्यों छोड़ दिया, तुमने छोड़ दिया तो ले ले तो फिर परेशानी है। तो जी उनकी घटना बता गुरु जी बहुत बढ़िया, मैं तेरे लिए काफ़ी बनाता हूँ। आप मैं गुरु जी मत बनाओ, हम काफ़ी पी के आए हैं ऐसे नहीं, माता जी बैठी हुई थी, गुरु जी सचमुच बीमार थे, उनको उनके हाथ को ये भी लगा हुआ था। फिर बाद में गुरु जी आप बैठे रहो, मैं बना के लाता हूँ, आपको पिलाता हूँ, मैं भी पिलाता हूँ, मुझे पता नहीं गुरु जी के साथ कोई दूसरे से लगते वो लोगों को बोला काफ़ी पी के आए। गुरु जी ने वहाँ काफ़ी पिलाई, खुद मम्मी से पिलाया। अब जो भी आए थे समस्या से मैं गुरु जी ने कहा कि फिर कब जा रहा है, सब ये लोगों की बातें भी होंगी, तो ऐसा कर मैं आज रात में तेरे को प्रीति भोज देता हूँ। सब लोग बैठे हुए थे, प्रीति भोज देता हूँ, तो आज मेरे पास खाना खाने के बाद ही तो यहाँ से जाना। अब गुरु जी ने कहा है कि हम सब लोग जो 20 लोग मेरे साथ आए थे गुरु जी आए, मुझे याद भी याद है जोधपुर में गुरु जी टेबल पर बैठे हुए थे, साथ में सभी लोगों को पूरी खीर आदि सब लोग गुरु जी ने अरेंज किया। अरेंज करने के बाद सब लोग खाना खाने को बैठे तो गुरु जी अपने टेबल से दोनों वाले खाए। जोशी मेरा उच्चिष्ट है तू ले ले, मैंने बहुत बार ये समझा उन्होंने उच्चिष्ट दिया खाया। उसके बाद बोले जोशी मेरे पर्सनल कमरे में आ जाए, गुरु जी का एक पर्सनल साधना का कमरा था जिसमें काली की मूर्ति रहती थी, और कहते हैं कि गुरु जी उस काली की मूर्ति को प्रत्यक्ष देखते थे, प्रत्यक्ष उसको प्रत्यक्ष की बात करते थे, रोज काली का दर्शन गुरु जी को होता था। उसी रूम में गए और रात के समझता हूँ मैं 8:30 मैं बैठा, मैं बैठा तो गुरु जी बातें करने लगे। जब उन्होंने साधना की है वो किए तो गुरु जी ने कहानी बोलो जैसे मैं तरीके एक बात बताता हूँ बोलो। गुरु जी मैं निखिल शान जब था तो मैं गुवाहाटी से हिमालय पर्वतों को छान मारता हुआ आसाम से लेकर जा रहा था, तो कंचनजंगा से गुजर रहा था। कंचनजंगा से गुजर रहा था तो उतने में क्या हुआ, एक पहाड़ पे से एक छोटी सी धीमी सी आवाज़ आई और मेरा एंटीना शुरू हो गया बोले क्या कि वहाँ से आवाज़ आ रही है, कोई क्षीण आवाज़ में बोल रहा है निखिल शान जी आप ऊपर आओ ऊपर आओ। अब गुरु जी वहाँ बैठे हुए जा रहे थे, मैंने सोचा कि कोई बुला रहा है मुझे, उस स्टेप स्टेप करते हुए आगे गया। आगे जाने के बाद मैंने देखा कि एक गुफा है और उस गुफा से आवाज़ आ रही है निखिल शान जी आ जाए, तो मैं उस गुफा में घुसा, देखता क्या कि पूरे घास है, घास पर एक दुबला पतला शरीर बहुत ही दाढ़ी बड़ी थी बहुत शुद्ध, और उस शरीर से एक प्रकार का उजाला आ रहा था, बहुत कुछ वहाँ कोई लाइट नहीं था कुछ नहीं था, उस शरीर से ही उजाला आ रहा था। मैं देखा तो बहुत सिद्ध हूँ, मैंने आया कहा कि नमस्कार करता हूँ, मैंने नमस्कार किया माता जी, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें इसलिए बुला रहा था कि मुझे कोई सिद्ध नहीं मिला, मेरे यहाँ साधना की हुई 2 वस्तुएं हैं, देखो इस गुफा में मेरे से 5 कदम पर तुम वहाँ निकाल लेगा ऐसा। तो निखिल शान ने मुझे कि मैंने वो 2 वस्तुएं निकाली, देखा तो 2 वस्तुएं, उन्होंने कहा ये वस्तु है
अन्नपूर्णा जिसके पास ये रहेगी वो हजारों लाखों लोगों को जैसा खाना खिला सकती है। और ये वस्तु है जो वो चाहता है, जब कुछ भी कोई गुरु कार्य अच्छा कार्य करना चाहता है तो उसको पैसे नहीं देने पड़े, पैसे देते हैं। ये दो मेरे साधना की ये दो वस्तुएँ हैं। और इसके लिए कोई ऐसा सक्षम व्यक्ति मैंने नहीं देखा कि जिसका सही उपयोग कर सकता है, ऐसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा। इसलिए मैंने तुम्हें पुकारा था, ये दो वस्तु तुम्हें देकर अब मैं निश्चिंत से मेरे प्राण छोड़ता हूँ। गुरु जी एकदम, अरे आप प्राण छोड़ने की बात कर, हाँ हाँ तू ये ले। और उन्होंने जैसे ही गुरु जी को वस्तुएँ दी, उन्होंने प्राण छोड़ दिए। गुरु जी ने कहा कि फिर बाद में मैं उस साधु का जो वो दो वस्तुएँ दें, उस दोस्तों को लेकर मैंने उन महात्मा को लेकर वही नदी के किनारे, निकिष्ठा नदी थी उस नदी के किनारे, मैंने उस साधु का संस्कार किया और मैं वहाँ से वो दोस्तों को लेकर आगे चला। लेकिन मेरे दिल में एक बात थी जोशी, क्या कि मैं उस साधु की तपस्या लेकर मैं चल रहा हूँ, फिर मैं तपस्या अगर ये है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूँगा, मैं इसके ऊपर आधारित ही जीवन जीऊँगा। और मुझे लगा कि वो तो साधु महात्मा है। मैंने संकल्प किया कि कांचनजंगा के पास एक कल्पवृक्ष है, उस कल्पवृक्ष से ईशान्य कोण में 10 कदम के बाद मैंने वो दोस्त में भी गाड़ कर रखना है। और उस साधु महात्मा से मैंने कहा कि जब भी आप जन्म लेंगे मेरी वहाँ वस्तुएँ रखी हुई, आप उन वस्तुओं को ले लेना, मैं किसी रूम में नहीं रहना चाहता। मैंने गुरु जी को हाँ काफ़ी बताया सुन तो बड़ी जोशी, जब कभी भी तुझे समय मिलेगा तेरे वस्तु ले लेना।